सलमान खान की फिल्म रेस 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बम्पर ओपनिंग देने वाली है। मल्टीप्लेक्स के साथ साथ फिल्म सिंगल स्क्रीन पर भी धमाका करने वाली है। सोमवार को एडवांस बुकिंग को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। भारत ही नहीं UAE में भी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट काफी शानदार है। यह मूवी 14 जून को ही रिलीज होने वाली है। दिल्ली में फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर अच्छा क्रेज देखने को मिला। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बाकी शहरों में भी जल्दी एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ेगी। वहीं एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स के अनुसार रेस 3 इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हो सकती है, साथ ही सबसे बड़े वीकेंड ओपनर भी यही मूवी बनेगी। ट्रेंड पंडितों की माने तो फिल्म 30 करोड़ तक की ओपनिंग आसानी से कर जाएगी, बल्कि इसके ऊपर की ओपनिंग कर जाएगी, जबकि वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में इतना इजाफा देखने को मिलेगा जितना किसी मूवी को नहीं मिला होगा। अपने पहले वीकेंड में मूवी 95 करोड़ के पार की कमाई कर सकती है। सलमान खान की फिल्में सिंगल स्क्रीन पर नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन की डिमांड रखती है। वहीं पहले वीकेंड तक ज़्यादातर शोज हाउसफुल ही दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि फिल्म कई रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब होने वाली है, यानी कि सलमान खान की ये मूवी 2 दिन बाद मचाने आ रही है भारत में तहलका। वहीं 14 तारीख को ये मचाएगी UAE के शहरों में तहलका। यानी कि इस मूवी की अगर आपने एडवांस बुकिंग कर लिया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आपको यहीं मिलती है सबसे पहले।